फिल्ममेकर्स का काम हम देख सकते हैं. आई थिंक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है उनके लिए, क्योंकि यू नो अनफॉर्चुनेटली बहुत से फिल्ममेकर्स होते हैं जिनका काम हमें नहीं देखने को मिलता है. एंड आई थिंक ऐसे प्लेटफॉर्म्स की वजह से आप उनको जानते हैं, उनका काम देखते हैं एंड आई थिंक उन्हें उनका काम सहराते हैं. सो आई थिंक यू नो दिस इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू एनकरेज फिल्म मेकर्स टू यू नो कम फॉरवर्ड एंड मेक मोर एंड मोर कंटेंट एंड मोर मूवीज. या शॉर्ट फिल्म्स आर द स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स फीचर फिल्म्स. इट्स इंपॉर्टेंट फॉर ऑल यंग फिल्म मेकर्स टू मेक गुड शॉर्ट फिल्म्स टू इम्प्रेस द प्रोड्यूसर्स एंड अदर फिल्म मेकर्स. एंड प्रैक्टिस होती है, मतलब आपकी लाइफ बनती है उनमें से. तो दिस इज अ ग्रेट इनिशिएटिव. आई एम लविंग द फैक्ट दैट दे डूइंग दिस. मेरी जो पिछली फिल्म है वो भी एक शॉर्ट फिल्म पे आधारित थी, तो मेरे लिए तो बहुत ही फायदेमंद हुआ कि एक 10-11 मिनट की फिल्म थी वो, जिससे हमने 2 घंटे की फिल्म बनाई. मैं पहले से ही, मुझे लोग किरदार के नाम से जानते हैं. पहले सुल्तान बोलते थे वासेपुर में, फिर पंडित जी बोलते हैं. तो ये अच्छा है कि अभिनेता की पहचान उसके किरदारों से हो, कि हम इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिनेमा इम्पॉर्टेंट है, किरदार इम्पॉर्टेंट है. मैंने हाल फिलहाल में एक धुंध करके देखी थी, विपिन शर्मा शारिब हाशमी की, और मुझे बहुत अच्छी लगी थी जी. मुझे शॉर्ट फिल्म्स बहुत पसंद है, और जो क्रिटिक शॉर्ट फिल्म अवार्ड, ये जो पहला साल है, आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि एक नया प्लेटफॉर्म मिल गया है लोगों को, और गुड शॉर्ट फिल्म्स विल बी रिकॉग्नाइज. सो आई होप दिस रियली हेल्प्स द मीडियम. और मुझे खुद शॉर्ट फिल्म्स बहुत पसंद है, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग समथिंग.